तो भाई टेक्सास प्रोसो के ऑलमोस्ट रिजल्ट आ चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे भाई मेन फिजिक कैटेगरी, क्लासिक कैटेगरी और 212 कैटेगरी के रिजल्ट्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन फिजिक कैटेगरी, तो भाई इसमें आप हमारे टॉप 5 जो एथलीट थे उनकी फिजिक दोस्तों आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे एथलीट इसमें दिखाई दे रहे थे। बट जो हमारे जो विनर रहे और सेकेंड रनर अप रहे हैं वो काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे के, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था भाई, एक अच्छी और डिसिप्लिन वाली फिजिक वहाँ पे लेके आए थे जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी, और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो दोनों का काफ़ी अच्छा था और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं था भाई इनमें। बट जो बीनर हमारे वहाँ पे रहे हैं उनका नाम है जेरेमिया मैक्सी, बाकी दोस्तों वो 5 एथलीट हैं उनके आप नाम देख सकते हो। दोस्तों अब बात करेंगे हम क्लासिक कैटेगरी की, जिसमें कि ये जो टॉप 4 है एथलीट उनकी आप दोस्तों फिजिक देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी फिजिक वहाँ पे लेके गए थे। बट भाई एक जो एथलीट है उनका नाम है रॉबर्ट टेम्स, इनकी फिजिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखने में, काफ़ी इंप्रेसिव थे और काफ़ी एक क्लासिक फिजिक वहाँ पे लेके गए थे। बट भाई इनकी लेग्स में मुझे थोड़ा सा वीकनेस लगी जो कि जिसकी वजह से जीत नहीं पाए, और जो विनर है उनका नाम है जय हुन, भाई एक काफ़ी अच्छी सिमेट्री वहाँ पर लेके गए थे और आप कह सकते कि पूरा कम्प्लीट पैकेज इनके पास वहाँ पर था। तो भाई आप इनकी पोजिंग भी वहाँ पे देख सकते हो, एक इनकी जो प्रोपोर्शन होता ना भाई बॉडी में वो एक काफ़ी सिमेट्री के साथ अच्छा खासा मसल मास और पोजिंग कंप्लीट कह सकते कि पूरा पैकेज वहाँ पे लेके गए, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन इनको। दोस्त अब हम बात करेंगे हमारी जो 212 कैटेगरी थी उसके बारे में, तो दोस्तों फोटो में आप देख सकते हैं टॉप 5 जो एथलीट थे 212 कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा तगड़े एथलीट वहाँ पर गए थे। बट भाई जो हमारे कियोन पीटरसन थे ना उनको देख के तो मज़ा ही आ गया दोस्तों, आप लाइनअप को देखोगे तो आप अंदाज़ा लगाओ कि एक तरफा ये विनर थे, आसपास में कोई इनको टक्कर देने वाला भी नहीं था, मैं कह सकता हूँ कि इनका अब तक का बेस्ट वर्जन था। बाकी दोस्तों आप इनकी पोजिंग में आप देखो कितने ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं, खास करके दोस्तों इनके जो लेग्स हैं वो तो अलग ही लेवल पर नज़र आ रहे थे, और बॉडी में मसल मास भी बहुत ही अच्छा था। साथ ही भाई इनकी आप बैक देखोगे ना तो आप देखो कितनी ज़्यादा थिकनेस और कितनी ज़्यादा ये वाइट लग रही थी, एक एक इनका जो मसल्स है वो निखर के बाहर आ रहा था। तो भाई आप कह सकते हो इनकी फिजिक देखे कि इनका अब तक का बेस्ट वर्जन था, और ओलंपिया में जब ये अब क्वालिफाई हो ही गए हैं, अब जब ये कम्पीट करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये चेंजेस और भी वहाँ पर लेके आएंगे। तो दोस्तों आप इनकी पोजिंग को इन्जॉय कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।